नमस्कार, मैं रितेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के पोर्टल पे आंगनवाड़ी सेविका बहनें अपना आधार अपडेट कैसे करेंगी, यानी कि आधार वेरिफिकेशन कैसे करेंगी। अगर जो पुरानी सेविका हैं और अपना आधार वेरिफिकेशन कर चुकी हैं, अगर आपसे कोई भी गलती हो चुकी है और उसको सुधार करना चाहते हैं तो उसको सुधार कैसे करेंगे। तो सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, जहां पे भी डाउट होगा वो सारे चीज़ आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे कि हमने इस पेज को ओपन कर रखा है जहाँ से आप लोगों को लॉगिन करना होता है। आप लोग क्या करेंगे, कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे pmmvy.nic.in और उसके बाद एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे pmmvy का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर नई आंगनबाड़ी सेविका हैं, अगर आधार वेरिफिकेशन करने जा रही हैं और आप लोगों को जो विभाग से पासवर्ड दिया गया होगा, ऐसे तो यूज़र आईडी सबका ANG करके और यूनिक कोड जो होता है वो दिया गया होता है, लेकिन जो नई आंगनवाड़ी सेविका बने हैं उनको विभाग से पहले टेस्ट के लिए एक पासवर्ड दिया गया होता है जो लिखा होता है test@123। इस प्रकार से पासवर्ड दिया गया रहता है। तो वो सेविका बहने क्या करेंगी कि सबसे पहले आप अपना पासवर्ड को चेंज करेंगी। मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि पुराने वाले पासवर्ड से काम नहीं हो रहा है, आप लोगों को नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को पासवर्ड कैसे बनाना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, जाके उसको देख सकते हैं और पासवर्ड कैसे चेंज करना है उसके बारे में पूरे डिटेल्स समझा रखा है। ठीक है, तो पासवर्ड आप लोग चेंज कर लीजिएगा देख के उस वीडियो को। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन करके आपको आगे दिखाते हैं कि आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आप लोगों को डाल लेना है। डालने के बाद जैसा कैप्चा कोड दिया रहेगा वैसा कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में डाल लेना है और यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर सिंपली लॉगिन करके आपको आगे दिखाते हैं। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे एक वेरीफाई का ऑप्शन दिखा रहा है। ये जो अपडेट है वो नया अपडेट है, क्योंकि पहले जो आप लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया था वो सबका पासवर्ड जो था सेम था, तो कोई भी आप लोगों के यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म वगैरह भर लेता था। तो अब उस चीज़ को हटा दिया गया है। अब जब आप लोग लॉगिन करेंगे, जब जब लॉगिन करेंगे तब तब आप लोगों को अपने मोबाइल को वेरिफिकेशन कराना होगा, यानी आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा तब जाके आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नई अपडेट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसका 4 डिजिट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि जो आपको OTP भेजा गया है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, उस OTP को डाल के आप लोगों को यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उस OTP को डाल के वैलिडेट करके आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे OTP डाल लिया है। डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे टाइमिंग भी शो हो रहा होगा जैसे कि आप लोग देख पाएंगे OTP एक्सपायर इन 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स का आप लोगों के पास टाइम होता है। 15 मिनट्स के अंदर ही आप लोगों को जो OTP है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर OTP फिलअप कर लिए हैं, अब वैलिडेट पर क्लिक करके आपको आगे दिखाते हैं। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे ना तो अब आप लोग यहाँ से अपना जो काम है वो कर सकते हैं, जो फॉर्म वगैरह है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ से आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका ब्लॉक। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ आएगा अपडेट आधार डिटेल्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि अपने आधार को अपडेट करना है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो या आशा वर्कर हो, सभी को यहाँ पे लॉगिन करके इस प्रकार से अपडेट कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोगों को ये काम जरूर कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का जो भी फॉर्म वगैरह का पैसा होता है, जो भी आप लोग फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करते हैं उसका जो भी पैसा बनता है 200, 400, 500, तो वो आप लोगों के अकाउंट में होनोरेरियम अकाउंट जो है उसमें आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। अब कई बार क्या होता है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनें जब लॉगिन करती हैं तो उनका यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता है कि आधार डिटेल्स का जो ऑप्शन है उसको कैसे फिलअप करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 लाइन बना हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे,
थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद जो डाटा एंट्री का ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर बेनिफिशियरी, अपडेट चाइल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, कैश क्लोजर, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे अपडेट AWH एंड आशा वर्कर प्रोफाइल। यानी कि अगर आपको ऑप्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है लॉगिन करने के बाद, तो आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपडेट AWH आशा प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से उसी पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको आधार डिटेल्स वेरीफाई करनी है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि आधार डिटेल्स को वेरीफाई कैसे करना है, अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको सुधार कैसे करना है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ये बोल रहा है आई गिव कंसेंट टू यूज माय आधार डिटेल्स फॉर ऑथेंटिकेटिंग विथ UDI एंड पेमेंट ऑफ होनरेरियम थ्रू AEPS। यानी कहने का मतलब है कि जो आप लोगों को पेमेंट आप लोगों के होनरेरियम अकाउंट में भेजा जाएगा उसमें आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, तभी आप लोगों का जो पैसा है आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका नाम है वो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों की हाइड रहेगी। ठीक है, इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह आप लोग यहाँ चाहे तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर बाई द वे आप लोगों को मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कराना है तो आप लोग अपने CDPO से कॉन्टेक्ट करेंगी, वो आप लोगों का यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है उसको चेंज कर देंगी। और जैसे कि यहाँ पर अगर नाम में अगर कोई भी गड़बड़ी होगा आप लोगों के, जैसे कि यहाँ पर देवी है या कुमारी, अगर कुछ भी मिसमैच हुआ रहेगा, लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन दिया गया है नेम एज इन आधार, यानी कि आप लोग अपने आधार के अनुसार यहाँ पे आप लोगों को सही करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। आप लोग अपने आधार के अनुसार जो भी आप लोगों का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन है, जो आधार कार्ड पर आधार नंबर दिया रहता है 12 डिजिट का, उसको यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर देनी है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे डेट ऑफ अटैचमेंट। यहीं पे जो आंगनबाड़ी सेविका बहनें हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि इसमें हम लोगों को क्या चीज़ भरना है, कौन सा डेट भरना है। ये जो डेट ऑफ अटैचमेंट है विथ आंगनबाड़ी सेंटर, यानी कि आप आंगनबाड़ी केंद्र से कब जुड़ी थी, आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था, जो आप लोगों को चयन पत्र दिया गया होगा उस चयन पत्र पे आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा उसी को यहाँ पे फिलअप करना है, ना कि डेट ऑफ बर्थ को। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आंगनबाड़ी सेविका यहाँ पे भर देती हैं, जो कि एकदम गलत है। आप लोगों को इस प्रकार से गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ अटैचमेंट यानी कि जब आप लोगों का ज्वाइनिंग हुआ होगा उसी डेट को आप लोगों को यहाँ पे भरना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे आधार के अनुसार नाम डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ऐसा खुल के आ जाएगा, यानी कि इस आंगनबाड़ी सेविका बहन का जो है पहले आधार वेरीफाई किया जा चुका है। देख सकते हैं लिखा गया है आधार डिटेल्स ऑफ आंगनबाड़ी एंड आशा अगेंस्ट द AWC कोड इतना इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी कि इस आंगनबाड़ी सेविका बहन का जो है कि आधार अपडेट पहले से किया जा चुका है। अगर जो नई आंगनबाड़ी सेविका बहनें आधार अपडेट कर रही हैं तो उनको क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ अटैचमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया चयन पत्र के अनुसार जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसी को आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करनी है। आप अपने चयन पत्र पे देख लीजिएगा कि उस पर कौन सा डेट लिखा गया है, कौन सा ईयर लिखा गया है। ठीक है, तो उसको डाल के आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप लोगों का आसानी से सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो भी फॉर्म वगैरह भरेंगे आसानी से यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लोग जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।